हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मैजिकल स्क्रैच पेंटिंग। तो उसके लिए हम लेंगे A4 साइज शीट, वाइट। मेरे पास वाइट शीट है A4 साइज की। अगर आपके पास कोई भी साइज है आप ले लीजिए। ये शीट लिए हमने। अब जैसे हमने ये वाइट शीट है प्लेन, ये वाइट शीट हमने ली थी इस तरह से। अब इसको हमने ऐसे कलर करना है, लाइंस ऐसे लाइंस में ड्रॉ कलरिंग करनी है। सबसे पहले हमने टोन उठाई है येलो कलर। फर्स्ट हमने येलो कलर उठाया, सेकेंड ऑरेंज कलर, येलो कलर, देर येलो कलर। हमने अच्छे से इसको मर्ज करना है, कम्प्लीटली बिल्कुल करेक्ट तरीके से करना है, एकदम स्क्रैच करना है इसको यहाँ पे। येलो कलर करेंगे फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन हमने ऑरेंज उठाई है। अच्छे से हम बिल्कुल वाइट पार्ट नहीं छोड़ेंगे इसमें, ऑरेंज कलर करना है हमने। जैसे यहाँ वाइट वाइट पार्ट छूटा हुआ है, थोड़ा भी कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए वाइट, एकदम इसको ऑरेंज करना है हमने। पूरी तरह इसमें कलर फिल होना चाहिए। ऐसे मर्ज कर देंगे हम। अब सेकंड टोन है हमारी रेड कलर। रेड कलर हमने लिया है, ये हमने अच्छे से फिल किया हुआ है मैंने ऑलरेडी आपको बताने के लिए। तो जहाँ भी आपको थोड़ा भी कमी लगती है उसको अच्छे से फिल अप कर दीजिए कलर को। जैसे मुझे यहाँ पे लगी ये मैंने कलर फिल कर दिया। अब हमने ब्लू कलर इसी तरह जैसे येलो लिया, ऑरेंज लिया है, रेड लिया है, ब्लू कलर करना है हमने। ब्लू में जहाँ आपको कमी दिख रही है उसको फिल अप करिए पूरी तरह। ये देखिए ये ब्लू कर दिया हमने। अब ये ग्रीन कलर करना है, अच्छे से फिलअप करना है ग्रीन कलर। कहीं भी हमने जैसे इसमें आपको दिख रहा है इनकम्प्लीट है, थोड़ा थोड़ा कलरिंग में कमी है, उसको पूरी तरह फिल करना है। ये देखिए, तो बस इसी तरह अब हमने ग्रीन कलर फिल कर दिया। इसके बाद पिंक लेंगे, इसको मैं अच्छे से कर लूँगी अभी। फिर पर्पल लेंगे, पर्पल कलर फिल करेंगे पूरी तरह डार्क, एकदम डार्क टोन। जैसे हमने इसको स्क्रैच करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए स्क्रैच कर रही हूँ तो यहाँ से डार्क हो रहा है। तो इस तरह मोटी लेयर, इस तरह से मोटी लेयर बनाते हुए यहाँ पे आपको कलरिंग करनी है। मैं इसको दोबारा कवर कर दूँगी क्योंकि अभी आगे हमें प्रोसेस करना है इसमें। उसके बाद येलो कलर उठाया हमने, ऑकर येलो कलर, फिर हमने डार्क ग्रीन। उसके बाद की टोन हम उठाते हैं, जैसे यहाँ पर ग्रीन लाइन है, इसके बाद मैं आपको ब्लू कलर उठा के दिखाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगी फ्री हैंड। अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर करके दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे हमने कलर ऐसे रब करते हुए करना है। ये देखिए वाइट पार्ट नहीं छोड़ना है बिल्कुल, इस चीज का मेन ध्यान देना है आपको। पॉज कर, पॉज करो। मेरा पूरी तरह कलर फिल होने वाला है ये। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट टोन पकड़ने वाली हूँ जल्दी से। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल कहीं भी छोड़ना नहीं है कलर, वाइट शीट नहीं छोड़नी, वाइट पार्ट नहीं छोड़ना कहीं भी हमें। प्रॉपर तरीके से कलरिंग करनी है। हमने ब्लू कलर हमारा कंप्लीट हो गया है। जहाँ भी आपको कमी दिखती है, वाइट पार्ट नज़र आ रहा है, वहाँ पर उसको अच्छे से डार्क करिए क्योंकि हमने लास्ट टोन में ब्लैक पोस्टर कलर करना है। अब हम रेड कलर उठाते हैं, हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा, लाइंस लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम रेड कलर उठाते हैं। अब हमारा रेड कलर पूरी तरह फिल होने वाला है। अब हम नेक्स्ट कलर उठाने वाले हैं। पर्पल ये लाइट है ना, लाइट पर रेड कलर हमने पूरी तरह फिल कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट कलर उठाऊंगी पर्पल कलर, उसको हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। पर्पल कलर भी कंप्लीट हो गया हमारा, अच्छे से फिल कर दिया है मैंने। वाइट पार्ट कहीं छोड़ना नहीं है आपको, ध्यान रखना इस बात का।
अब हम उठाएंगे, ग्रीन कलर करना है हमने इसमें, लाइट ग्रीन कलर करेंगे। ये लाइट ग्रीन इसको मैं अच्छे से पूरी तरह फिल कर दूंगी। स्टॉप कर दीजिए, पूरी तरह ग्रीन कलर इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करेंगे। ये ग्रीन कलर हमने प्रॉपर तरीके से कर दिया है। अब जहाँ भी आपको इनकम्प्लीट लग रहा है, जैसे रेड कलर में अभी थोड़ी कमी नज़र आ रही है मुझे, वाइट पार्ट दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको फिल करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है हमारी पेंटिंग में, मैजिकल स्क्रैच पेंटिंग। तो हमने येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, पर्पल, ओकर येलो, डार्क ग्रीन, ब्लू, रेड, पर्पल, ग्रीन, येलो, तो इस तरह से हमने कलर्स लिए। तो आप अगर आप चाहते हैं, मैंने टेढ़ी टेढ़ी लाइन्स लिए हैं या आड़ी लाइन लिए, तो आप सीधी सीधे लाइन ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको पसंद है। अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे अपना पेंटिंग में, मैजिकल स्क्रैच पेंटिंग में। तो हमारा कलरिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हम क्रियॉन्स कलर हमने यूज़ किए थे इस पेंटिंग के लिए, अब हम करेंगे पोस्टर कलर यूज़ करेंगे। पोस्टर कलर हमें ऑल ओवर फ्लैट कलर मारना है शीट पे, कंप्लीट फ्लैट कलर ऐसे। अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको, आप क्या कैसे करेंगे। कर दी। अब आपको फ्लैट फ्लैट ब्रश से ब्लैक कलर, ब्लैक पोस्टर कलर इसके ऊपर ऐसे फटाफट फटाफट पेंट करना है। करना पोस्टर कलर में ऐसे फ्लैट फ्लैट ऐसे ऐसे ब्रश से करना है आपको। पोस्टर कलर में वाटर की वाटर कम आपको मिक्स करना है, अदरवाइज ये इसके ऊपर स्प्रेड नहीं होगा अच्छे से। अभी जो हमने कलर किया था शीट पे, कलरफुल शीट थी हमारी, वो शीट अब ब्लैक कर दिया है हमने, उसके ऊपर पोस्टर कलर कर दिया है। ये वाला पोस्टर कलर करना है आपको, थोड़ा मुश्किल होगा आपको, क्योंकि ऑयल पेस्टल कलर पे आपको ये आपका पोस्टर कलर है, इसको स्प्रेड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा।